जितने हम सारे कल्प में ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनको भगवान पर आता है, भाई टीचर तुम्हारा कौन है? स्वयं भगवान। अभी क्वेश्चन मिला है, सत्युग में दैवी गुण कौन से होंगे? अब है तो क्वेश्चन सत्युग की बात अभी पूछते हैं। तो भले क्वेश्चन अच्छा मिला है ये, पर हमको सत्युग में पीछे होंगे, देवताएं होंगे। अब तो ईश्वर की डायरेक्ट संतान है, ईश्वर के बच्चों के गुण कैसे होंगे? सत्युग में तो नंबर वारा जय होंगी। हाँ, सत्युग में यहाँ से जो सीखेंगे ना, सिखाने वाला एक परमात्मा, सबको कट्ठा एक जैसा पर आता है, किसकी पर्सनल खातिरी भी नहीं करता है। परंतु अच्छी तरह से ध्यान से परवाता है, ऐसे अच्छी तरीके से पढ़ाता है जो कोई भी पढ़ सके, पुराना हो चाहे नया हो, इतना प्यार से पढ़ाता है जो नया भी समझ सके, बूढ़ा भी समझ सके, तो बच्चा भी समझ सके। और ये जवानों को थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, पर बुढ़ा और बच्चा, बाबा कहते हैं बच्चे की बुद्धि भी थोड़ा सालिम है, शुद्ध है। इसलिए गुलजार दादी वगैरह जो है ना, बचपन में आई ना, कोई स्कूल भी तो नहीं पढ़ी ना, ईशु गुलजार वगैरह स्कूल थोड़ा पढ़ी होंगी, नाम मात्र पढ़ी होंगी, बाकी जो पढ़ाई भी पढ़ी ना वो भी यज्ञ में पढ़ी। चंद्रमय दादी उनको सिखाती थी, एक आनंदी थी, वह हिंदी सिखाती थी, सिंधी भी नहीं सीखी, नहीं कुछ भी नहीं सीखी, इंग्लिश तो पढ़ी भी नहीं, थोड़ा बहुत। इतनी ऊंची पढ़ाई, भगवान पढ़ाए, बुढ़ा भी पढ़ सके, बच्चा भी पढ़ सके, जवानों को थोड़ा टाइम लगता है। बच्चे भी जो जवान हुए ना तो टाइम लगाया, छोटे छोटे बच्चे पहले बाबा 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 और कुछ नहीं, इतनी अच्छी मुरली सुनावे, इतना अच्छा ट्रांस में जावे, इतना अच्छा ये करे, योग में इतना अच्छा बैठे, बात मत पूछो ना। परंतु जवान है चाहे बुढ़ा है, चाहे गरीब है चाहे शाहूकार है, उसमें मम्मा बाबा का दोनों, बाबा समर्पण हो गया, मम्मा त्यागी बन गई, बस मम्मा त्यागी। 17 साल की उम्र बिल्कुल नंबर वन। एकदम जो बाबा पराए ना, वर्ड बाय वर्ड ऐसा सुनाए जो हम सुनते सुनते कैसे सुना रहे हैं। पहले ये धारणा चाहिए, उसे सत्य का आधार है। जयंती ऐसे ठीक है ना, क्वेश्चन यही है ना, मतलब ध्यान खींचो है भाई, क्वेश्चन मिला है दादी बच्चे मिला है। आधार सत्य का यहाँ से है, बाबा हर मुरली में, और शुरू में बाबा साक्षात्कार भी हुआ तो विनाश का और विष्णु का, यहाँ विनाश फिर विष्णु, और ये तुमको बनना है। तो जिसको देवता उच्च देव पद पाना है तो ये विनाश काल है, सामने खड़ा है, सत्युगी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और गीता के 2 शब्द बड़े अच्छे हैं, 18 अध्याय के बीच बीच में, जो बड़ा याद रहते थे
पर समझ में नहीं आता था। एक मन मना भव, भगवान बार बार ज्ञान सुना के फिर कहते हैं मन मना भव। दूसरा मध्याजी भव, माना विष्णु रूप को ध्यान का ध्यान रखो, मन मना भव और विष्णु रूप का ध्यान रखो। तो ध्यान रखना है, मुझे ऐसा बनना है। बुद्धि को कहना है पहले योग लगा है ऊपर, मन मना भव ऊपर ऊपर, मन मना भव ऊपर, वो सामने। तो मेरे को एक बात, कोई कोई पुरुषार्थ अच्छी अच्छी बातें कभी भूली नहीं है। तभी जयंती का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था पता नहीं, यानी छोटी थी बहुत। हम पुणे में वो ऊपर जो सेंटर था ना, तो वहाँ अच्छी तरह से बड़ा भारी हमारा पुरुषार्थ में अच्छा लगता है सदाई। तो ये जैसे डायलॉग हुआ, ज्ञान योग धारणा सेवा, चार सब्जेक्ट है, पहला नंबर किसको देवे? तो किसने कहा ज्ञान को पहले, किसने कहा योग को पहले, किसको ने कहा धारणा को पहले, किसने कहा सेवा को पहले। हर एक का अनुभव अपना अपना था, और हर एक के अनुभव में किसकी सेवा से पहले अच्छी आगे बढ़े है, कोई योग से आगे बढ़े है, कोई ज्ञान से आगे बढ़े है। इतनी अच्छी मैं समझती हूँ वो सीन बड़ी सुंदर थी, पर हमारा चला विचार धारणा पहले। अगर मेरा धारणा पर ध्यान है तो ज्ञान बुद्धि में बैठता है, योग लगता है। धारणा मेरी इधर इधर उधर उधर, तो ज्ञान माना सुनने के कानों से अटेंशन होगा, धारणा माना ध्यान, तो ज्ञान जाएगा। ज्ञान समय पर योग, तो फर्स्ट धारणा है ज्ञान से, पर धारणा में ज्ञान धारणा में जाता है, उनसे योग लगता है, उनसे सेवा होती है। तो मैं क्यों सुना रही हूँ, जो बीच बीच में अवस्था नीचे ऊपर होती है ना, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पर ये बात मैं समझती हूँ बहुत पहले की है, मुझे सन याद नहीं है कौन सा होगा, तो 45 ईयर्स तो होगा ज़रूर। पर ध्यान रहा है पहले धारणा, तो ज्ञान सुन रहे है, अटेंशन पर ऊपर है, बाबा सुना रहा है, अंदर जा रहा है, योग लग रहा है, शिवा अपने आप अच्छे, वायुमंडल अच्छा, बोलचाल अच्छा। दूसरी बात, बाबा ने, परमात्मा बाप ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया। बाबा के चेहरे को देखो, बोल को देखो, दिल कहता है जो बाबा कहता है ना, अच्छा लगता है, करना भी अच्छा लगता है, सहज भी लगता है। सो उसको देख करके कर लो बस। आजकल के ज़माने में हर एक कोर्स है, जहाँ तहाँ जाएंगे ना, हर एक का दिमाग का काम है, कोर्स करने के लिए डिग्री पास करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में पाए। पुराने ज़माने में कोई कोर्स होता ही नहीं था, कारपेंट्री का भी कोर्स है, आगे कारपेंट्री का कभी कोर्स देखा भी नहीं।
रंग लगाने का भी कोर्स है। अरे कोर्स बोल कुछ नहीं है, सो सीख कर देख करके सीख जाते हैं। किचन खाना बनाने का कोर्स है, सारा दिमाग दिमाग दिमाग। इसलिए दिमाग बड़ा क्या बोलो थकावा सदाई जल्दी थक जाता है बेचारे। दिमाग बहुत काम किया है ना, पहले बहुत काम किया है, अभी पहले तो ब्राह्मण बने हैं ना, दिल सच्ची बहुत गुण पीछे धारण करो, दिल सच्ची दिमाग ठंडा ठंडा, जल्दी गर्म ना हो जावे, ठंडा 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 कर, दिल सच्ची है दिमाग ठंडा है, सुबह सरल है बस। इनसे लगता है ये देवता बनने वाली आत्मा है, जन्मते ही जैसे बाबा का जन्म लिया ना, दिमाग ठंडा हो गया। आजकल बच्चे का भी दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है, बूढ़े का भी गर्म हो जाता है, फलाने का भी जल्दी दिमाग गर्म हो जाता है, फिर दिल धड़कन हो जाती है, सुबह में फिर मधुरता नहीं होती है। एक ये बात और चार बात पांच बात पांच गुण। अगर मैं ज्ञानी तू आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, गीता में ये भी है, भगवान कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा अच्छा लगता है। जो परमात्मा का ज्ञान आत्मा धारण करती है वो भगवान को प्यारी लगती है। भगवान से पूछो आपको कौन प्यारा लगता है, तो मैंने देखा है ममान जैसी क्यों प्यारी लगी, कुमार का दादी जैसी क्यों प्यारी लगी, ज्ञान अच्छा रखती थी बुद्धि में, लगता था ये ज्ञान ऐसे ही नहीं सुना रही है, जिसने दिया है ना उसके लिए रिस्पेक्ट है। ज्ञान दाता के लिए बड़ा रिगार्ड है, बाप के रूप में है, शिक्षक के रूप में है, सतगुरु के रूप में बहुत है, श्रीमत है, प्रभु की आज्ञा माने माथे। जैसे कल दर्शन वालों ने पूछा ना, भाई अभी 6 महीना हुआ है, 7 महीना हुआ है ज्ञान में आए, अभी कैसे मैं आगे चल जाऊं। मैंने कहा ये ठंडा ये फटाफट चलता है ना बेचारा, तो कभी घबरा जाता है कैसे करेंगे क्या करेंगे, बहुत बड़ा है, कभी बड़ी अचानक लॉटरी मिल गई है, अभी संभालें ज्ञान कैसे, धारणा में कैसे लाए, हमारे से होगा नहीं होगा क्या होगा। तो हमेशा ज्ञान कहता है तो थोड़ा सा उसमें पांच बातें, सत्यता अच्छी तरह से, एक फर्स्ट सत्यता क्या है, और सब बातों को एक बाजू रखो, बातें बहुत है बाबा की पर कोई कोई मुख्य बात पर ध्यान रखो। जो आज भी बाबा ने कहा सत्य नारायण की कथा जो है ना, लोग तो कथा पढ़ के सुनाते हैं पर वो क्या है, सत्यता। सत्यता अंदर से ईगो को खत्म करती है, सारा भी ईगो है तो बना झूठ है, पुराना है ना। तो अंदर से सत्य बाप है, सत्य शिक्षक है, सत्य सतगुरु है, सदगति दाता है, तो सत्यता इतनी मुझ आत्मा में प्रवेश हो जाए, प्रवेश हो जाए आत्मा में, प्रवेश हो जाए जैसे अवतरण हो जाए, झूठ का नाम निशान चला जाए,
तो जैसे बाबा मिसाल देता है, शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा में आया, परंतु क्राइस्ट कैसे आया, क्या हुआ, पहले उसका जन्म होगा कहाँ, पर जब वो आत्मा उसमें आई ना, क्राइस्ट की आत्मा आई या बुद्ध की आत्मा आई, तो उसमें वो जागृति आ गई अपने पार्ट की, मैं वो आत्मा हूँ, नशा चढ़ गया, जैसे ऊपर से आई, पहले तो पहले जन्म लिया हुआ, जैसे हम हमारा जैसे जन्म था, बाबा ने याद दिलाया तुम वो हो, बदल गए, शरीर के संबंधी वगैरह ये सब, बुद्ध की कहानी पढ़ो या गुरु नानक की कहानी पढ़ो या क्राइस्ट की कहानी पढ़ो, जिस घड़ी वो उनमें जागृति आई, पार्ट बदल गया। अभी मेरा ये पार्ट है उसे ऑटोमेटिक चेंज आ गया सारा। तो इतनी सत्यता मुझे आत्मा में आ जाए, सत्य बाप के बच्चे है, सत्य मेरा शिक्षक है, शिक्षक सिखाता ही है सच क्या है, सारी मूली में बाबा स्पष्ट करता है सच क्या है, सत्यता से क्या होता है, निम्रता बड़ी अच्छी आ जाती है। जब मैं फिर कहती हूँ, जब दादा जशन से मेरे दादा वास, तो मैंने उनको कहा है अभी तक भी, निम्रता मैं उन्हों से सीखी, दादा वास वहीं से सीखी, मैं कहती थी गुरुंगा ये, उसने बड़ा काम किया इस आत्मा पर। तो कोई गुण कहाँ से जो अंदर चला जाता है ना, वापस अच्छा गुण है ना, तो ईश्वरी गुणों में सत्यता से सबके साथ व्यवहार में निम्रता है ना, तो धीरता आती है, कभी उत्तावली से न सोचना न बोलना। जैसे मैं इसको पता नहीं क्या नाम दिया हुआ है हमारे शकील अदे भाई को, टोपी वाले को, हाँ नाम नहीं याद है, मैं क्या नाम दिया हुआ है, अच्छा है, पूछता है वेश था फ्री होगा फिर क्या सोचेंगे भाई, तो क्वेश्चन रात को पूछता है वेश था से फ्री हुआ तो क्या सोचेंगे, मेरा भाई ये सोच रहे ये पूछ रहेगा कोई क्वेश्चन है, वेश फ्री हो गए तो बेस्ट आ गए, बिल्कुल इतनी भी इंग्लिश नहीं समझता है, वेस्ट गए बेस्ट आ गए, अच्छे आ गए वेस्ट को खत्म कर लिया, सत्यता से निम्रता, निम्रता से धीरता, धीरता से मधुरता, मधुरता से दिव्यता, ओके बहन, ओके समझा, पांच है ज्यादा देवी गुण की लिस्ट लंबी है, 12 वैल्यूज है, 8 शक्तियां है, वो भी आ जाएंगी, 12 वैल्यूज है, 8 शक्तियां है, वो भी बहुत वो सब ऑटोमेटिक आएंगी, क्या समझी गायत्री, सत्यता से निम्रता धीरता मधुरता दिव्यता आई, तो सब शक्तियाँ गुरु आ जाएंगे ना, हाँ शुक्लियाँ लगेंगी ना, बरोबर ये कहता नहीं पर ये देव ऊंचा राजपद पाने वाला है, राजाओं का राजा बनने वाला है, तो राजाओं का राजा बनना है तो अटेंशन सोते जागते चलते फिरते सोचते अटेंशन ध्यान है धारणा पर, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण जो है ना वो स्वदर्शन चक्रधारी है, तो ध्यान है स्वदर्शन, पहले स्व को देख स्व को देख स्व को देख, पर को मत देख, पर चिंतन नहीं कर,
पर दर्शन नहीं, पर चिंतन नहीं, पर दोष नहीं। ये तीन जो है ना देवता बने देंगे नहीं। जरा सा पर चिंतन, जरा सा पर दर्शन, जरा सा पर दोष निकाला। भले दोष है, मेरा क्या मतलब है दोष से? दृष्टि मेरी दोष दिखने वाली हो नहीं सकती। अब मेरा किसी को दोष दिखाई पड़ता है, मैं ध्यान रखेंगी भाई कुछ दोष है। अच्छा, आपने ध्यान खींचवाया, प्लीज आगे नहीं होगा मेरे से, मेरे में नहीं है, तुम्हारा दिख रहा है ऐसा, चुप कर बोलो मत। अच्छा, किसी ने ध्यान खींचवाया, ओके समझा। अच्छा, भैया हम सबके शुभ स्वचिंतन में रहे, स्वदर्शन करे, स्वदर्शन स्वचिंतन, स्व में सर्वगुण आए, स्व में कोई अवगुण न रहे। क्योंकि फॉलो फादर करते करते, फॉलो मदर फादर है, और सबको भी फॉलो नहीं करना है, फॉलो मदर फादर। बाकी और जो है ना दृष्टि वृत्ति गुण ग्राही, यानी अंदर गुण जाए, कानों द्वारा जाए तो गुण जाए, किसी का अवगुण इस कान में न जावे। कान द्वारा भी वायरस हो जाता है ना, कानों द्वारा भी होता है, आँखों द्वारा भी होता है। तो उसमें पराश तन मन सारा बेचारा निर्बल हो जाता है। अच्छा, ओके सुना। 18 तारीख की मुरली है, 18 अध्याय ज्ञान का है। एक बारी 18 बातें निकाली थी, पर अब तीन तीन चार चार बातें पता थी, पर सब ध्यान रखो। इजी इजी है ना? अभी तो नहीं कहेंगे कैसे करें, अभी सभी जो बच्चियाँ होने वाली है ना, क्या होने वाला है ग्रुप, सभी को काम मिल गया ना, यूथ होवे चाहे युगल होवे, सबको यही काम करने का है। कुमारियाँ है चाहे कुम्भ, सबको यही करने का। ठीक है गिरीश भाई।